आज हम डिस्कस करेंगे डबल टॉप्स एंड ट्रिपल टॉप्स, और ये दोस्तों बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। और साथ में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डबल बॉटम्स एंड ट्रिपल बॉटम्स, जो दोस्तों एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है कि जो बाजार है, जो मार्केट है, वो एक बैटल फील्ड है, एक युद्ध का मैदान है। और दोस्तों इस युद्ध के मैदान में कॉन्स्टेंटली ये युद्ध चलता रहता है, और दो सेनाएं हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, और अल्टीमेटली ये जो लड़ाई है, ये जो बैटल है, ये जो युद्ध है, ये मार्केट की दिशा फाइनली तय करता है। तो वो सेनाएं क्या है दोस्तों? वो बेसिकली सेनाएं हैं आर्मीज ऑफ बुल्स एंड बेयर्स। बेयर बुल्स वो जो मार्केट के बारे में ये संभावनाएं बता रहे हैं कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है, और वो बाइंग एक्शन में लगे रहते हैं। और दूसरी सेना वो है लोगों की जो बेयर्स हैं, जो ये मान के चलते हैं कि मार्केट गिरने की संभावना है, तो वो सेलिंग प्रेशर मार्केट में लाते हैं, कंटिन्यूसली सेल करने के बारे में सोचते हैं। अब ये जो बैटल दोस्तों, ये युद्ध जो कॉन्स्टेंटली मार्केट में चलता है, इस युद्ध को स्टडी करने का जो मेथड है उसे ही तो टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं दोस्तों। तो ये युद्ध को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सेना, जो आर्मी ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ में, उसकी दिशा में अगर हम ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, तो हमारे सफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं दोस्तों। और इसी के ऊपर से वो कैप्शन आया है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ दोस्ती कीजिए दोस्तों, और तभी जाके आपके सक्सेस रेट एनहांस होंगे, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करने में आप सफल होंगे। तो दोस्तों जब ये युद्ध में हमें पार्टिसिपेट करना है, तो हमें भी कुछ औजारों की जरूरत है, और वी नीड टू फाइट द बैटल। तो हमें आर्म्स की जरूरत है, हमें औजार की जरूरत है। और दोस्तों वो औजार है क्या? कैंडलस्टिक पैटर्न एक औजार है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीख रहे हैं, अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न्स जो प्राइस चार्ट के ऊपर में इमर्ज होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना। हमने सीखा दोस्तों ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकालते हैं, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो ये दोस्तों सब औजारी तो है जो हमें मदद करते हैं मार्केट को होलिस्टिकली समझने में, कि कौन सी सेना है जो ज्यादा ताकतवर है, जिसके साथ अगर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे तो हमारे सफलता के की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। तो दोस्तों चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, और चाहे वो चार्ट पैटर्न्स या जिन्हें हम प्राइस पैटर्न्स भी बोलते हैं वो हो अलग अलग प्रकार के, या फिर हम ऐसे टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा हम चार्ट के ऊपर में या तो ट्रेंड लाइन खींचते हैं, राइजिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग ट्रेंड लाइन, या चैनल्स का फॉर्मेशन करते हैं, या हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, या सपोर्टिंग इंडिकेटर्स लाइक ऑसिलेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें वो आर्म्स तो हैं, औजार तो हैं हमारे हाथ में, जिनके बारे में हमें दक्षता हासिल करनी है, हमें उसके बारे में स्किल हासिल करनी है, कि इन सारी स्टडीज को कंबाइन करके किस तरह से हम वो कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट्स पे जाके रुकें, ताकि हम
ये आइडेंटिफाई कर सके कि प्रिवेलिंग मार्केट सेंटिमेंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बुल्स भारी है या बेयर्स भारी है। तो दोस्तों हमारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और जब ये चीज हम समझ जाते हैं तो हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। और एक बार दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो गई स्टडी करने के बाद, तो दोस्तों हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में आने वाले सीरीज में एक बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन जाए, हम अच्छे से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने लगे, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं है तो दोस्तों केवल स्टॉप लॉस निकालना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट उससे काफी बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर हम इसे प्लेस में डालते हैं तो हमारी संभावनाएं बहुत मल्टीप्लाई कर जाती हैं सफल होने की, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने की, चाहे वो मार्केट अप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो या रेंज मार्केट हो जहां पे एक एडिक्वेट रेंज मिल रही है जहां पे हम रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम डबल टॉप्स को पहले समझते हैं, जो एक प्राइस पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, और जैसा नाम सिग्निफाई कर रहा है दोस्तों कि ये दो टॉप की बातें कर रहा है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि एक ऐसा टॉप जहां पे प्राइस जब पहुंचती है तो प्राइस में रिजेक्शन समझ में आता है कि प्राइस उस जगह पे पहुंचने के बाद सेलर्स डोमिनेट करने लगते हैं और प्राइस उस लेवल को ब्रीच करके ऊपर जाने में फेल हो जा रही है। तो दोस्तों ऐसे टॉप की हम बात कर रहे हैं और इसे कंसेप्चुअली समझना, सिंस ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है तो इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि इसके पहले मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, तभी तो दोस्तों अप ट्रेंडिंग से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट का सिग्नल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसे कंसेप्चुअली समझते हैं पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों ये मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा था, अब दोस्तों मार्केट ने जाकर एक इस जगह पे पहला टॉप बनाया जहां से पहली बार प्राइस का रिजेक्शन हुआ। इस वक्त तक एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें नहीं पता है कि ये एक नॉर्मल करेक्शन है और या फिर कोई ऐसा पैटर्न भविष्य में आके बनने की संभावना है। तो इस समय तक हम बेसिकली क्या समझते हैं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ है, एक करेक्शन हुआ है, एक पुलबैक हुआ है जो पॉसिबली अपसाइड मार्केट को, जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसकी दिशा में मार्केट मूव करेगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि प्राइस अपसाइड जाती है और यहां पर सेकेंड टॉप बनाने के बाद प्राइस में रिजेक्शन पता लगता है और वो टॉप पिछले टॉप के करीब करीब बराबर है। तो ये एक सप्लाई जोन एस्टैब्लिश करता है। अब इस जगह पे दोस्तों आने के बाद प्राइस रिजेक्शन हमें कैसे पता लगेगा? प्राइस रिजेक्शन के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने पिछले जीरो टू जीरो श्रृंखला में सीखा है, तो कोई ऐसा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस लोकेशन पे बनना चाहिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, तो इस लोकेशन पे बनेगा तो उसका रेलेवेंस अधिक होगा, जैसा हमने सीखा था जब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने जीरो टू हीरो श्रृंखला में जानकारी हासिल की थी। अब वो बेरिश पैटर्न शूटिंग स्टार हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, वन ब्लैक क्रो हो सकता है दोस्तों, बेरिश एनगल्फिंग हो सकता है, बेरिश किकर हो सकता है, कोई भी पैटर्न अगर यहां पे इमर्ज होता है वो एक पहला इंडिकेशन होगा कि प्राइस साइड ये दूसरा टॉप बनाने के बाद रिजेक्शन दिखा रही है। तो दोस्तों इस जगह पे हम इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, उस रिजेक्शन दिखाने के बाद
जो सिग्निफाई करेगा कि टॉप वन ये है और टॉप टू ये है। अब यहां कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है तो दोस्तों यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फिलहाल नहीं बनती है। एज पर चार्ट पैटर्न प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब तक इसका कंफर्मेशन नहीं होता है तो यहां कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बनती है। अब दोस्तों ये दो टॉप बनने के बाद, यस प्राइस एक्शन एनालिसिस में एग्रेसिव ट्रेडर इस जगह पे पोजीशन लेते हैं अदर स्टडीज को कंबाइन करके, बट जहां तक डबल टॉप का सवाल है दोस्तों तो ये एक कंफर्मेशन पॉइंट नहीं है। यस संभावना जरूर दिखा रहा है कि आने वाले समय में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन अगर हुआ है तो क्या इसका कंफर्मेशन आने वाला है, जो एक एक डेफिनेट सिग्नल होगा कि मार्केट के ट्रेंड में रिवर्सल की संभावना है। तो दोस्तों इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, ये दोनों टॉप के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के चार्ट पर छोड़ देते हैं। अब ये जो लाइन है दोस्तों इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। ये लाइन खींचने का तात्पर्य ये है दोस्तों, पहले से अगर हम इसे खींच के चार्ट पर रखते हैं और इसके ऊपर में अलर्ट सेट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि अधिकतर चार्टिंग टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल आप करते होंगे या जो बिगिनर्स हैं जो आगे आने वाले समय में करेंगे उनमें अलर्ट सेट करने की फैसिलिटी होती है। तो जब भी प्राइस इस लेवल को नीचे में तोड़ेगी तो वो आपको अलर्ट पता लगेगा जिससे आप फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकेंगे अगर ये कंफर्म्ड डबल टॉप का ब्रेकडाउन है। अब दोस्तों ये जो लाइन है प्राइस फिर नीचे आती है और जैसे ही इस लाइन को नीचे में ब्रेकडाउन करती है, ब्रेकडाउन का तात्पर्य यह है कि ये दोनों टॉप के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे में प्राइस आके क्लोज हो जाती है। मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा दोस्तों, उस लोएस्ट पॉइंट के नीचे प्राइस क्लोज हो जाती है। अब दोस्तों अधिकतर समय जो देखा गया है दोस्तों वो देखा गया है कि प्राइस फिर से एक बार रिट्रेस करती है, पुल बैक लेती है और ये पुल बैक जाता है दोस्तों इस नेक लाइन को टेस्ट करने के लिए। अब ये पुल बैक हमेशा होता है? नहीं दोस्तों, हमेशा नहीं होता है, बट ये देखा गया है कि अगर आप थॉमस एंड बुकोस्की की किताब में रेफरेंस देखेंगे जिन्होंने 35,000 से अधिक चार्ट के ऊपर में स्टडीज करने के बाद निकाला है, तो उन्होंने बोला है अराउंड 60% के आसपास पुल बैक होता है, बाकी समय पे पुल बैक नहीं होता है। तो दोस्तों लेकिन ये एक बार ब्रेकडाउन हो गया डबल टॉप्स का, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अब मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है और मार्केट अब लोअर हाईज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन करेगा तो कई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो पुल बैक के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरना चालू होता है और ये कंफर्मेशन होता है कि यस, तो बहुत सारे ट्रेडर पहले ब्रेकडाउन के समय में ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, कुछ ट्रेडर जो है वो इंतजार करते हैं पुल बैक का और तब वो एंट्री लेते हैं। तो दिस चॉइस इज लेफ्ट टू अ पर्टिकुलर ट्रेडर एंड उसकी अपनी क्या स्टाइल इमर्ज होती है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइन है इसे हम नेक लाइन बोलते हैं जैसा हमने एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेकडाउन पॉइंट है और इस ब्रेकडाउन पॉइंट पर हम पोजीशन ले सकते हैं और टारगेट कैसे निकालेंगे। टारगेट दोस्तों बहुत सिंपल है कि हम दोनों टॉप के बीच का जो लो पॉइंट है वहां से लेकर टॉप तक की हाइट को मेजर करेंगे दोस्तों एंड उसे नीचे साइड में प्रोजेक्ट कर देंगे, कहां से, जहां से ब्रेकडाउन हुआ है उस पॉइंट से।
दूसरे शब्दों में हम ये बोले कि हम ये हाइट को नापेंगे, लोएस्ट पॉइंट जो है दोनों टॉप के बीच का, वहां से हम हाइट को मेजर करेंगे और उस हाइट को नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे, ताकि अगर हमने शॉर्ट सेल पोजीशन ली है तो वो हमारा एक टारगेट हम निकाल सके। अब दोस्तों ये जो टारगेट यहां पे आता है, तो ये हमें केवल ये देखना है कि ये जो एच की वैल्यू है वो क्या इनफ है जो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल है। क्योंकि हम दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर 1:2 भी नहीं मिल रहा है, मतलब अगर हम 100 रुपए के रिस्क लेना चाहते हैं किसी ट्रेड में और हमें 200 रुपए कमाने की भी संभावना नहीं है, तो दोस्तों उस ट्रेड को छोड़ देना ही उचित होगा। प्रिफरेबली रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 या उसके ऊपर आए तो अच्छा है, लेकिन 1:2 में भी एंटर करके कंसिस्टेंटली अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है तो हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ट्रेंड को अगर राइड करते हैं तो अल्टीमेटली हमने तो एंटर वहां पे किया था, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशियो एग्जिट पॉइंट पे बढ़ सकता है। प्रॉब्लम होता क्या है अधिकतर ट्रेडर्स के साथ कि वो प्रॉफिट बड़े छोटे छोटे बुक करते हैं और जब लॉस के केस में वो होप में बैठे रहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी उन्हें वो आशाएं होती हैं, होप होती है कि कुछ मिराकल होगा। तो दोस्तों ये डबल टॉप का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था, और ये क्लियर है कि जहां दो टॉप बन रहे हैं उस जगह पे सप्लाई आ रही है, और नीचे के अपेक्स को जब उसने दोनों टॉप के बीच के लो पॉइंट को जब उसने तोड़ दिया तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे बोलेंगे दोस्तों, कि जब उसके लो टॉप के जो लोएस्ट पॉइंट है दोनों टॉप के बीच का, उसके लो पॉइंट के नीचे किसी ब्रेकडाउन कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें क्या होगा, तो दोस्तों हमने जो नेकलाइन खींचा है अगर हम इसे ध्यान से देखें दोस्तों, तो मैं यहां एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि जो हमने नेकलाइन खींचा है दोस्तों, ये जो नेकलाइन है दोस्तों, ये नेकलाइन जो खींचा है हमने, अगर हम इस नेकलाइन की बात करें दोस्तों, तो ये जो नेकलाइन हमने खींचा है, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूं दोस्तों, तो ये जो नेकलाइन हमने खींचा है, ये जो नेकलाइन है दोस्तों, इससे 1 ATR ऊपर हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं दोस्तों। 1 ATR हमें किसी भी चार्टिंग टूल में ATR इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर ब्रेकडाउन हुआ है उसमें जो भी ATR की वैल्यू होगी तो हम उसके ऊपर स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं, और इसके अनुसार निकाल सकते हैं कि हमारा रिस्क पर शेयर कितना होगा और जो टारगेट आ रहा है क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये ट्रेड लेना एक अच्छा बिजनेस डिसीजन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं ट्रिपल टॉप्स को। जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये तीन टॉप के बारे में डिस्कस कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है, इसका नॉमनक्लेचर जो सजेस्ट करता है। अब दोस्तों अभी हमने डबल टॉप देखा, डबल टॉप में क्या देखा, दो टॉप का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है कि प्राइस उस लेवल पे जब पहुंचती है तो प्राइस में रिजेक्शन आता है और सेलर्स डोमिनेट करने लगते हैं बायर्स के ऊपर में, सो प्राइस में फॉल होता है। और उसके बाद हमने देखा कि वो दोनों टॉप के बीच का जो सेंटर है उसको ब्रेकडाउन अगर होता है तो हम उसे कंफर्मेशन बोलते हैं कि ये कंफर्म्ड पॉइंट है जहां पर कि डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ है। अब ट्रिपल टॉप में क्या हो रहा है दोस्तों कि तीन ऐसे सप्लाई पॉइंट हैं कि मार्केट थर्ड टाइम अटेम्प्ट करता है उस टॉप के ऊपर में, क्योंकि जब मार्केट नीचे आया सेकेंड टॉप के फॉर्मेशन के बाद तो उस जगह पे जहां पे सेलर्स डबल टॉप के केस में डोमिनेट किए थे
और दोनों टॉप के बीच का जो लो पॉइंट था उसे ब्रेक डाउन कर दिए थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ दोस्तों कि बायर्स फिर एक्शन में आए और उस जगह से प्राइस को पुश करके ऊपर ले गए और सेलर्स बायर्स को ऊपर में डोमिनेट करने में फेल हो गए। इस युद्ध में, इस बैटल में उनकी हार हो गई। तो चलिए दोस्तों इसे पिक्टोरियली समझते हैं। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये थर्ड टाइम उस सप्लाई जोन को रिजेक्शन करता है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, तो तीसरा टच पॉइंट मिलता है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसा हमने हीरो टू हीरो श्रृंखला में, जीरो टू हीरो श्रृंखला में कई बार सीखा है, देखा है, और टच पॉइंट्स के बारे में हमने जिक्र किया है। तो चलिए दोस्तों इसे पिक्टोरियली समझते हैं। तो दोस्तों ये मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रिपल टॉप अगर बन रहा है तो अप ट्रेंड के बाद में बनेगा। अब यहां से प्राइस ने डाउनवर्ड मूव किया। इस पॉइंट तक हमें नहीं पता है दोस्तों कि ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, करेक्शन है, पुल बैक है, या फिर कोई पैटर्न बनने की आगे संभावना है। फिर मार्केट अपसाइड मूव करेगा और ये सेकेंड टॉप का फॉर्मेशन करेगा। फिर प्राइस में हमें रिजेक्शन नजर आएगा और प्राइस नीचे रिट्रेस करके आएगी। अब डबल टॉप में दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट में आके सेलर्स डोमिनेट करते हैं और दोनों टॉप के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन होता है और प्राइस उसके नीचे क्लोज हो जाती है। बट ट्रिपल टॉप के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस जगह पे इस कांस्टेंट युद्ध जो चल रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, उस युद्ध में बायर्स हार नहीं माने और फिर से बाइंग एक्शन आई और एक तीसरा टॉप बना। और इस तीसरे टॉप के बाद में प्राइस ने फिर नीचे यात्रा चालू की और ये दोस्तों इस बार ब्रेक डाउन हो गया। अब दोस्तों ऊपर के हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं जो सप्लाई एरिया इंडिकेट कर रहा है, रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये टॉप वन है, ये टॉप टू है और ये टॉप थ्री है। तो वहां डबल टॉप था, ये दोस्तों ट्रिपल टॉप है जहां पे प्राइस रिजेक्शन विजिबल है। और प्राइस रिजेक्शन हम कैसे देखते हैं दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर कट, वहां पर कोई ना कोई इस रेजिस्टेंस एरिया में बनेगी जो बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। और बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने डिटेल सेशन इस जीरो टू हीरो श्रृंखला में कवर किया है दोस्तों। और यह भी बताया है दोस्तों कि जब भी बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का रेलेवेंस तब ज्यादा होता है जब वो एक सप्लाई एरिया में या रेजिस्टेंस के पास में अपियर होते हैं। अब वो रेजिस्टेंस दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो सकती है, और या दोस्तों किसी की मूविंग एवरेजेस का एरिया हो सकता है जहां से प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है। अब दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, तो जब प्राइस ने डबल बॉटम का ब्रेकडाउन होने से फेलियर दिखाया तो हमने तो ये लाइन खींच के रखी है क्योंकि अलर्ट सेट करके रखा है। तो हो सकता है कि चार्ट के ऊपर में हमारा अलर्ट ट्रिगर हो क्योंकि इस लाइन के नीचे शैडो आए, जब सेकेंड टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन बाइंग एक्शन आई और प्राइस ऊपर चली गई। तो दोस्तों हम उसमें फिर से अलर्ट सेट करते हैं कि क्या यह ट्रिपल बॉटम का संभावित ब्रेकडाउन हो सकता है या मार्केट अपने ओरिजिनल दिशा में मूव करेगा, जो अभी तक अप ट्रेंड था उसी दिशा में मूव करेगा। और डेफिनेट सिग्नल अभी मार्केट नहीं दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होने वाला है, क्योंकि डाउ डॉक्ट्रिन क्लियरली बोलता है ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अंटिल एंड अनलेस इट गिव्स अ डेफिनेट सिग्नल। सो दोस्तों अभी तक डेफिनेट सिग्नल नहीं मिला, लेकिन तीसरे टॉप के बाद में ये जो नीचे की नेक लाइन हमने खींची है इसका ब्रेकडाउन हुआ। और दोस्तों इस ब्रेकडाउन के बाद में आप देखिए इसका टारगेट कैसे निकालते हैं।
हम टॉप से लेकर इसके नीचे की नेक लाइन से हाइट नापेंगे और उसे नीचे दोस्तों प्रोजेक्ट कर देंगे और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस सेट करने की प्रक्रिया सेम है जो अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि इस जो नेक लाइन है, नेक लाइन से इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल पोजीशन की, शॉर्टिंग की और इस जगह से हम एक एटीआर ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट दोस्तों ये है, दूसरी चॉइस है कि हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अगर ये रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों तो इसका मतलब है लोअर हाइज लोअर लोस का फॉर्मेशन कुछ दिनों तक और चलेगा, क्योंकि हमने बाय एंड लार्ज देखा कि डाउन ट्रेंड जो होता है वो करीब 9 से 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के रेंज तक चल सकता है। तो एक पोजिशनल ट्रेड भी यहां पर संभावित है और हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक प्राइस चार्ट के ऊपर में एग्जाम्पल लेते हैं डबल टॉप्स का। दोस्तों ये मारुति का प्राइस चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों है। दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में था। सभी हम जानते हैं कि प्राइस ने करीब 10,000 तक की यात्रा तय की, पर शेयर की वैल्यू उसकी अराउंड 10,000 रुपीज पहुंच गई और उसके बाद आप देखिए क्लासिकली इसमें एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ और डबल टॉप का फॉर्मेशन जो हुआ वो प्राइस रिजेक्शन क्लियर कट दिखाई दिया 9,934 में और दोस्तों इसके बाद 8,480 जो नीचे नेकलाइन खींची गई थी उसका ब्रेकडाउन हुआ डिसाइसिव तरीके से। और उसके बाद हम सभी जानते हैं ये स्टॉक 6,000 के नीचे भी रीसेंट टाइम में ट्रेड कर रहा था क्योंकि कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था। तो डाउ डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से दोस्तों बुलिश मार्केट में जब ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक था तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के बाद में आया ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इसका एक डेफिनेट सिग्नल मिला जब डबल टॉप का ये ब्रेकडाउन हुआ। तो जो इन्फॉर्म्ड लोग थे, जो इस सब्जेक्ट में नॉलेज एंड स्किल रखते थे, वो मैक्सिमम 8,400 पे इस स्टॉक से एग्जिट करके अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल गए, जो एक लंबे पोजिशनल ट्रेड में बैठे हुए थे जब स्टॉक ये 2,000-3,000 से रैली कर रहा था। अब दोस्तों इस पॉइंट पर एक डेफिनेट सिग्नल मिलने के बाद स्टॉक ने, अगर आप इसके प्राइस चार्ट को जाकर डिटेल देखेंगे तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन चालू किया और मल्टीपल स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में। अब दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं तो डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ, दो टॉप क्लियरली हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों। टॉप वन है जो T1 के से डिजिग्नेट किया गया है एंड ये टॉप टू है दोस्तों जो T2 डिजिग्नेट किया गया है। और दोस्तों इसका ये ब्रेकडाउन कैंडल है जो क्लियरली इन दोनों टॉप के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेकडाउन करके उसके नीचे में ये डिसाइसिव क्लोजिंग दिया इस पर्टिकुलर कैंडल ने। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि जब भी ये ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम में इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, जो हम देख सकते हैं चार्ट में देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम जो कंफर्म करता है मार्केट पार्टिसिपेशन को। हम सभी जानते हैं वॉल्यूम के बारे में हमने स्टडीज किया है दोस्तों, जीरो टू हीरो श्रृंखला में पिछले कई एपिसोड में वॉल्यूम के बारे में जिक्र आया है जो एक्सटेंट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन इंडिकेट करता है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम दो एक इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट बेस पैरामीटर्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट एनालाइजिंग दी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस इन दी मार्केट प्लेस। बाकी सब इंडिकेटर्स वगैरह डिराइव्ड हैं, हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला के तहत या तो प्राइस को इस्तेमाल करते हैं या वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
वो सारे कैलकुलेट होते हैं। अब दोस्तों इस ब्रेकडाउन के बाद में ये कंफर्म हो गया कि जो मार्केट अभी अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड मार्केट चालू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया जारी रहेगी मार्केट में। और दोस्तों इस समय पे टारगेट हम कैसे निकालेंगे डबल टॉप का, हम दूरी नापेंगे जो इस चार्ट में अभी इंडिकेट किया हुआ है दोस्तों, और उसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर देंगे ताकि हम टारगेट निकाल सकें। तो दोस्तों ये जो टारगेट निकलेगा, पोजिशनल ट्रेड होंगे वो इसको होल्ड करेंगे और एक पोजिशनल ट्रेड के रूप में इसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे। यू कैन ड्रॉ दी फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्सरसाइज करने में हमें मदद करेगी। तो दोस्तों क्या मुख्य बातें हैं डबल टॉप में कि टॉप के फॉर्मेशन के बाद में एक अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में ये दो टॉप का फॉर्मेशन होगा और उस दोनों टॉप के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे में ब्रेकडाउन करके कैंडल क्लोज होना चाहिए और वहां पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और टारगेट दोस्तों हम फिर ये नेकलाइन से लेकर टॉप तक की दूरी को, हाइट को मेजर करते हैं और उतना ही नेकलाइन से नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो उसका टारगेट निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को लेने की कोशिश करते हैं, ट्रिपल टॉप्स। तो चलिए दोस्तों हम ट्रिपल टॉप्स के एग्जाम्पल को प्राइस चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों ये अरबिंदो फार्मा का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस एग्जाम्पल में सेलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक पर्पस था, उद्देश्य था, और वो था दोस्तों ये समझना कि मार्केट किस तरह से साइक्लिक फिनोमेनन और साइक्लिक फेजेस में मूव करता है। अक्यूमुलेशन फेज आता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है और फिर अक्यूमुलेशन फेज आता है। और ये फेज में एक कंफर्म डेफिनेट सिग्नल मिलता है तभी हम बोलते हैं ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। और ये स्पेसिफिक रीजन था दोस्तों अरबिंदो फार्मा को सेलेक्ट करना कि आज हम इस एग्जाम्पल में एक उस रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अपियर हुआ था और उसके बाद इस स्टॉक में हमने एक डाउन ट्रेंड मूव देखा। और दोस्तों पिछले संडे बाइट, 8 PM संडे बाइट आप सभी जानते हैं, एक प्राइस एक्शन एनालिसिस सीरीज है जो इस चैनल पे चालू की गई है और उसके पिछले एपिसोड में हमने अरबिंदो फार्मा में इस डाउन ट्रेंड के बाद, जिसका एग्जाम्पल अब अभी भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में हमने देखा कि एक अकुमुलेशन फेज आया और अब स्टॉक एक डेफिनेट सिग्नल दे रहा है कि अब शायद ये डाउन ट्रेंड जो मूव था उसकी समाप्ति हो गई है और मार्केट अप ट्रेंड मूव के लिए तैयार हुआ है और अब पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड चालू होगा। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप समझिए और इसके बाद संडे बाइट में उस वीडियो को देखिए जो लास्ट एपिसोड में अरबिंदो फार्मा पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, यहां डबल टॉप का फॉर्मेशन, ट्रिपल टॉप के फॉर्मेशन के बाद इसमें अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हुआ। और सेम स्टॉक में लास्ट संडे 8 PM बाइट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डाउन ट्रेंड के बाद में अक्यूमुलेशन फेज में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों आप इसको अप्रिशिएट करेंगे कि किस तरह से मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता है मार्केट के फेजेस को आइडेंटिफाई करना और उसमें आगे बढ़ना। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न एक हथियार है जो हमें हेल्प करते हैं एक प्रिसाइज टारगेट निकालने में और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच अडॉप्ट करने में।
आगे जाके दोस्तों हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे कि इन पैटर्न की और प्रोबेबिलिटी कैसे एनहांस हो सकती है, जो क्राइटेरिया 35,000 चार्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद थॉमस एंड बुस्कोस्की ने अपनी किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न में कवर किया है। और उससे आपको उन क्राइटेरिया को जानने के बाद आपको यह महसूस होगा दोस्तों कि क्यों यह चार्ट पैटर्न छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे, 1 घंटे के चार्ट में, उसमें उसकी सक्सेस रेट क्यों कम होती है। क्योंकि सर्टेन क्राइटेरिया है जो क्लियर कट लार्जर टाइम फ्रेम में ही उनके सफल होने की संभावना है, और वहीं पे बड़ा पैसा भी बनता है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट भी बहुत छोटा होगा और बेसिकली वो मार्केट नॉइजेस रहते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप कई बार देखेंगे एक नॉर्मल सिंपल सा छोटा सा पुल बैक डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में आपको इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव नजर आएगा 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में, जो अधिकतर लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस एग्जांपल को समझते हैं। अरबिंदो फार्मा का ये डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है और हम देख सकते हैं अराउंड 827 के आसपास इसमें ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। पहला बॉटम यहां जहां प्राइस रिजेक्शन दिखाई दिया, सेकेंड बॉटम इस जगह पे, ज्यादातर यहाँ पे दो बॉटम है, बहुत नैरो है। और क्यों ये नैरो बॉटम है इसके बारे में भी क्राइटेरिया में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो बुल्सकोस्की की बुक में बहुत क्लियरली दिखाया गया है आफ्टर सेवरल स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस। एंड दोस्तों ये तीसरे टॉप का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद प्राइस ने नीचे की दिशा, ये तीनों टॉप क्या है दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जब भी प्राइस इस लेवल पे पहुंचती है सेलर्स डोमिनेट करने लगते हैं और इस लेवल को तोड़ने में बायर्स की जो सेना है वो फेल हो जाती है। तो दोस्तों यहां से डाउन ट्रेंड चालू हुआ और उसके बाद आप देखिए ये जो इन ट्रिपल टॉप के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट था वो 698 था, उसको ब्रीच करके कैंडलस्टिक बनती है जिसकी क्लोजिंग इस प्राइस के 698 के नीचे होती है, जो पहला इंडिकेशन है दोस्तों कि यस ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों ये आप देखिए प्राइस ने रिट्रेस किया, पुल बैक लिया और ये जो दोस्तों जो नेकलाइन है उसको टेस्ट किया, जो कई बार होता है और कई बार नहीं होता है दोस्तों। और सिंस हमने स्टॉप लॉस लगाने की क्राइटेरिया क्या देखा, नेकलाइन से 180 या ऊपर, ये मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं, कई मेथड्स हो सकती हैं दोस्तों स्टॉप लॉस की, मैं वो मेथड शेयर कर रहा हूं जिसे मैं फॉलो करता हूं दोस्तों। तो 180 जब हम ऊपर लगाते हैं तो ये अगर पुल बैक भी होता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। और मिनिमम 180 रखना इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि मार्केट नॉइजेस में, अब दोस्तों आप पूछेंगे 180 किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, तो दोस्तों जिस टाइम फ्रेम में, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम ब्रेकआउट देख रहे हैं तो हम डेली एटीआर को इस्तेमाल करेंगे 14 डे पीरियड के, और अगर वीकली टाइम में देख रहे हैं तो 14 पीरियड के वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। और वीकली टाइम फ्रेम का तात्पर्य हो गया कि पिछले 14 वीक्स का वो एटीआर इंडिकेट कर रहा है और वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि लार्जर दी टाइम फ्रेम टारगेट बड़ा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो दोस्तों उसी रेशियो में ये पूरा दी पूरी एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करते हैं। अब दोस्तों ये ब्रेकडाउन हो गया तो हमने ये हाइट को नाप लिया, नेक लाइन से लेके टॉप तक की लाइन को नाप लिया और उसे नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये दोस्तों टारगेट आ गया। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए वंस ये कंफर्मेशन हुआ तो इस स्टॉक ने, आप प्राइस चार्ट पे जाके देखेंगे दोस्तों, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन किया और पिछले संडे बाइट 8 PM में दोस्तों अगेन अक्यूमुलेशन फेज के बाद इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है जो इंडिकेट करता है, कंफर्म करता है कि
कि दोस्तों डाउन ट्रेंड मूव के बाद एक्युमुलेशन फेज में इनवर्स हेड एंड शोल्डर अपियर होता है, अपसाइड ब्रेकडाउन। अब संभावना है दोस्तों कि पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज की शुरुआत होने वाली है। और ये सारी बातें दोस्तों हमने डाउ डॉक्टर्स में डिस्कस की है, किस तरह से मार्केट फेजेस होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, वो डेफिनेट सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डाउ के 6 डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली समझना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने उस रिवर्सल पैटर्न की बात की जो अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में अपियर होते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। अब दोस्तों हम उस रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में अक्यूमुलेशन फेज में अपियर होते हैं और वो इंडिकेट करते हैं, एक डेफिनेट सिग्नल की तरह काम करते हैं कि मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट दिशा बदलने वाला है, अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों ये जस्ट अपोजिट है। अभी हमने डबल टॉप्स के बारे में बात की, ट्रिपल टॉप्स के बारे में बात की, तो डबल बॉटम्स जो है वो दोस्तों जस्ट आइडेंटिकल है, अपोजिट है। हर तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का तरीका, टारगेट निकालने का तरीका, स्टॉप लॉस सेट करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, ओनली थिंग है ये उल्टे हैं। तो इसमें दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में है जो आप इस पिक्टोरियल डायग्राम में क्लियर कट देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों जाके दो बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और दो बॉटम के फॉर्मेशन के बाद इन दोनों बॉटम के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको मार्केट ने ब्रीच किया, ब्रेकआउट किया, नेकलाइन खींची हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, और इसके बाद मार्केट अपसाइड में मूव किया। तो दोस्तों इसका टारगेट कैसे निकालते हैं, ये बॉटम से लेकर हम नेकलाइन तक की दूरी नापते हैं और उसे अपसाइड में प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो टारगेट निकल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इसमें ये बात करें कि किस तरह से ये दोस्तों आप देखिए कि ये आप अगर दोस्तों देखिए एक बॉटम का फॉर्मेशन ये है, एक बॉटम का फॉर्मेशन ये है, ये मार्केट डाउन ट्रेंडिंग के बाद में अपीयर हुआ और इसके बाद दोस्तों ये आप देखिए इसका हाईएस्ट पॉइंट ये और ये हाईएस्ट पॉइंट थे, यहां नेकलाइन को खींच दिया गया दोस्तों, और इस जगह पे आप देखिए एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया और इस लाइन को टेस्ट किया। जैसा हमने डबल टॉप्स में देखा कि ये पुल बैक और टेस्टिंग ऑफ नेकलाइन क्या हमेशा होता है, नहीं दोस्तों हमेशा नहीं होता है। अराउंड बुलवॉस्की की किताब को देखें तो ये करीब 60% के आसपास ऐसी संभावना आती है कि ये रिटेस्ट होता है। तो दोस्तों कई लोग इस रिटेस्ट का इंतजार करते हैं और कुछ लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं जो ब्रेकआउट के बाद में एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिपल बॉटम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस पिक्टोरियल डायग्राम में हम समझते हैं ट्रिपल बॉटम्स के बारे में, और इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें मल्टीपल बॉटम्स हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये डाउन ट्रेंड था दोस्तों, इस डाउन ट्रेंड के बाद आप देखिए ये अक्यूमुलेट कर रहा था, इसने यहाँ पर बॉटम बनाया दोस्तों, ये इसने पहला बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम बनाया एंड उसके बाद दोस्तों ये थर्ड बॉटम बनाया। और थर्ड बॉटम बनाने का तात्पर्य है कि प्राइस जब भी इस लेवल पे आ रही थी दोस्तों, ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में वो क्या कर रहा था दोस्तों, एक नया लो बनाने में फेल हो रहा था और उस लेवल पे बार बार बायर्स एक्टिव होते थे और बाइंग एक्शन चालू होता था, जो पहला इंडिकेशन था दोस्तों कि शायद इसमें रिवर्सल की संभावना है जो अभी तक डाउन ट्रेंड में था। तो दोस्तों इसमें अल्टीमेटली आप देखिए ये तीनों बॉटम का जो सेंटर पॉइंट है ये आप देखिए ये जो तीनों बॉटम के बीच का जो पीक था इसको इसने यहाँ पर इस कैंडल ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया दोस्तों, ये आप देखिए ये कैंडल स्टिक ने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया और प्राइस
इन तीनों बॉटम के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट था, हाई प्राइस थी, उसको ब्रीच करके उसको ऊपर में क्लोजिंग हुई। अब हमें देखना है कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है। दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल डायग्राम टू एक्सप्लेन। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों कि अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। और जहां तक टारगेट का सवाल है दोस्तों, सेम तरीका है निकालने का। हम ये हाइट को मेजर करेंगे दोस्तों, बॉटम से लेकर उसके बीच का जो हाई पॉइंट होगा और उसको ऊपर में हम प्रोजेक्ट कर देंगे, वो इसका टारगेट आ जाएगा। तो दोस्तों ये अगर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो दोस्तों अब यहां शुरुआत क्या होगी? यहां एक पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज की शुरुआत होगी एंड मल्टीपल कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने की संभावना है, जो कई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले दिनों में देने वाले हैं दोस्तों। तो कई लोग जब ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न उन्हें समझ में आता है, तो एक लंबा पोजिशनल ट्रेड लेते हैं ताकि वो पूरे ट्रेंड को राइड कर सके और ये बड़े मूव का टोटल एडवांटेज उठा सके, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आगे बढ़ते रहे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम डबल बॉटम के एग्जाम्पल को प्राइस चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने चूज किया है सिल्वर के प्राइस चार्ट को, जो डॉलर्स के टर्म्स में है इंटरनेशनल मार्केट में। पर्पस दोस्तों, अलग अलग प्राइस चार्ट को सेलेक्ट करने का पर्पस ये है कि वेदर स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, या फिर फॉरेक्स मार्केट या करेंसी पेयर्स हो, इन सब में ये पैटर्न काम करते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न्स हैं जो बेसिकली एक टूल है, एक हथियार है जो हमारे पास है बेयर्स एंड बुल्स के कंटिन्यूअसली जो फाइट चल रही है, जो युद्ध हो रहा है मार्केट में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब वो युद्ध दोस्तों अलग अलग बैटल फील्ड में चल सकता है। वो बैटल फील्ड है स्टॉक मार्केट हो सकता है, इंडेक्स का चार्ट हो सकता है, वो दोस्तों कमोडिटी का चार्ट हो सकता है। कमोडिटी में भी अलग अलग स्पेस के चार्ट हो सकते हैं, प्रेशियस मेटल हो सकता है, देन उसके बाद बेस मेटल्स हो सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, या दोस्तों एग्री प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, व्हीट है, चना है, दाल है, ऑल दोस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर करेंसी पेयर्स हो सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो दोस्तों पर्पस ये इसीलिए है कि अलग अलग प्राइस चार्ट को देखें। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो ये सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है, जो एक मासिव डाउन ट्रेंड में ये पर्टिकुलर कमोडिटी थी। और हम चार्ट में देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसका लोअर लोज बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई जब ये 13.9 डॉलर्स पर आउंस ट्रेड हो रहा था। और हम देख सकते हैं वहां पे एक बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और इन दो बॉटम के बीच का जो अपेक्स था, जो बीच का हाईएस्ट पॉइंट था, वो था समथिंग अराउंड 14.84 दोस्तों। और इसका चार्ट में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। इस चैनल पे दोस्तों सिल्वर के ऊपर में प्राइस चार्ट है जिसकी एनालिसिस की गई थी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बातें की गई थी। तो उन सब आज आज इस चैनल पर दोस्तों करीब 220 वीडियो से अधिक वीडियो उपलब्ध है, और वो अलग अलग तरीके से जो ट्रेड आइडिया के तहत है, या स्टॉक आइडिया के तहत है, या शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तहत है, या कमोडिटी सेक्शन में है, करेंसी सेक्शन में है, वो सारे दोस्तों हमारे एकेडमिक इंटरेस्ट से उन्हें बार बार वॉच जब आप करेंगे, तो जो हम जीरो टू हीरो श्रृंखला में सीख रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को उसके समझ पाएंगे, और इससे हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लियर कट ब्रेकडाउन है, और ये बॉटम वन है, ये बॉटम टू है, और इसका ये ब्रेकआउट हुआ जो डिसाइसिव ब्रेकआउट था दोस्तों। और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई। तो बेसिकली टारगेट कैसे निकालेंगे?
बॉटम से लेकर नेक लाइन तक का डिस्टेंस नापेंगे और ब्रेकआउट पॉइंट से उसे प्रोजेक्ट कर देंगे, वो हमें टारगेट देगा। अब दोस्तों इस रिवर्सल के बाद वो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज की शुरुआत हो चुकी है और वो अब हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करता रहेगा, जो मेनी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इसको कंसेप्चुअली आपने समझ लिया होगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहां पर इसने लो बनाया और इसके बाद लोअर लोस इस जगह तक। दोस्तों ये जब डाउन ट्रेंड में था तो लोअर लोस का एंड लोअर हाइस का ये कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन कर रहा था इस फेज में, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसने बॉटम बनाया और यहाँ पर लोअर लोस बनाने में फेल हुआ। प्राइस ने रिट्रेस किया, यहाँ पर एक हाई बनाया और इसके बाद में फिर से इस लो को टेस्ट किया, बट अगेन लोअर लोस बनाने में फेल किया। ये मैं आपको डबल बॉटम की मार्केट साइकोलॉजी बता रहा हूं कि इस जगह पे इस प्राइस लेवल पे आके सेलर्स कमजोर पड़ने लगे जो अभी तक डोमिनेट कर रहे थे, और इसके बाद दोस्तों ये एक फेज आया जहां पर क्लियर कट हमें ब्रेकआउट हुआ। दोस्तों नेक लाइन का ये जो हॉरिजॉन्टल नेक लाइन खींची गई है, ये हॉरिजॉन्टल नेक लाइन, इसका ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे हम वॉल्यूम में बढ़ोतरी देख सकते हैं और इसके बाद ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल देखते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में ट्रिपल बॉटम का, जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में आएगी दोस्तों। अब दोस्तों ये प्राइस चार्ट जो है दोस्तों टाइटन का है एनएससी इंडिया पर, और ये प्राइस चार्ट जो है दोस्तों एक वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स को ले रहा हूं और अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको डिस्कस कर रहा हूं, खास करके लार्जर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड अबव, ताकि ये कंसेप्चुअली समझने में आसानी हो कि किस तरह से चार्ट पैटर्न रेलेवेंट होते हैं और उनकी सक्सेस रेट मच बेटर है दोस्तों अगर लार्जर टाइम फ्रेम में हम काम करते हैं। अब दोस्तों इस स्टॉक को हम देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में आया, जिसे हम अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, और ये जो वैल्यू थी 303 इसको नीचे साइड में ब्रीच नहीं कर रहा था, एक नया लो नहीं बना रहा था। तो इसका मतलब पहला इंडिकेशन था दोस्तों कि लोअर लोज बनाने की प्रक्रिया में हॉल्ट आया है, डाउनसाइड मोमेंटम में कमी आई है, और ये वक्त है दोस्तों ऑब्जर्व करने का कि क्या यहां पर एक रिवर्सल पैटर्न नजर आता है जो एक डेफिनेट सिग्नल देगा कि अब जो ट्रेंड अभी तक डाउन था अब ये अप ट्रेंड में स्टॉक जाने वाला है और अब ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों ये आप देखिए कि इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये आप देखिए दोस्तों ये लो ये मल्टीपल लो बनाने के बाद इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था ये नेकलाइन हो गई जो 433 थी, और यहां पे डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ तो हम देख सकते हैं वॉल्यूम में इंक्रीज था दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई जहां पर इस स्टॉक ने हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन चालू किया, और इसे हम बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करने लगते हैं और प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन करती है। कई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इस पीरियड में इमर्ज होती है, जिसे हम बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी। तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे दोस्तों जीरो टू जीरो श्रृंखला में इवन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी, डिटेल में लेसन्स होंगे और सेशन किए जाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली है बॉटम वन, बॉटम टू, बॉटम थ्री, एंड इसके बाद दोस्तों ये ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेकआउट में वॉल्यूम का इंक्रीज, और दोस्तों टारगेट कैसे निकालेंगे, बॉटम से नेकलाइन तक की दूरी को, हाइट को नापेंगे और उसे हम प्रोजेक्ट अपसाइड में कर देंगे, वो हमें टारगेट दे देगा दोस्तों।
तो दोस्तों टारगेट जितने भी चार्ट पैटर्न्स में है, पिछले जीरो टू हीरो श्रृंखलाओं में ये डिस्कस किया गया था, ये मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट है। क्योंकि दोस्तों अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो अगर हम ट्रेंड रिवर्सल को चार्ट पैटर्न या प्राइस पैटर्न के माध्यम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक पोजिशनल ट्रेड को लेके हम ट्रेंड को राइड करते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, तो एक बड़े प्रॉफिट की संभावनाओं को हम पा सकते हैं। और यही सही तरीका है राइडिंग द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड को राइड करना जिस दिन हम सीख गए उस समय पे दोस्तों हम एक अच्छा पैसे बनाने की एक हैबिट को डेवलप अपने आप में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने रिवर्सल प्राइस पैटर्न्स में डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स के बारे में डिस्कशन किया और उसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश की दोस्तों, कि कैसे उसका टारगेट निकालते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, नेक लाइन किसे बोलते हैं, और किस तरह से दोस्तों हम वॉल्यूम की एनालिसिस भी करते हैं। अब दोस्तों हम उन क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। अगर इन बातों को आप दिमाग में रखेंगे जब भी आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस चार्ट पर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, या करेंसी पेयर्स की बात करें, तो इन क्राइटेरिया को अगर आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। और दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे उन क्राइटेरिया को जो डबल बॉटम से रिलेटेड है। एंड दोस्तों ये क्राइटेरिया हमने सोर्स किए हैं, जो मैंने पढ़े हैं और मैं आपको शेयर कर रहा हूं, और वाकई अगर इन्हें हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों तो ऑब्वियसली है हमारी प्रॉफिट करने की संभावनाओं पे काफी काफी एनहांसमेंट होगा और हम ज्यादा सफल होने की संभावनाओं को जागृत करेंगे। तो दोस्तों इन क्राइटेरिया को सोर्स किया गया है जिस बुक के बारे में जिक्र किया गया था पिछले जीरो टू हीरो श्रृंखला के किसी एपिसोड में, और वो बुक है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस एंड बुलकॉस्की। तो दोस्तों ये बुक जरूर महंगी है जैसा जिक्र पहले सेशंस में किया गया था जीरो टू हीरो में, और ये बुक अमेजोन में अवेलेबल है, आप उन्हें अमेजोन के साइट पर और एप्लीकेशन पर जाके ब्राउज करके देख सकते हैं। किसी जमाने में ये और भी महंगी हुई करती थी बुक, अभी फिलहाल दोस्तों ये समथिंग 12,500 के आसपास है और कुछ ऑफर चल रहा है समथिंग अराउंड 9,000 के आसपास में ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे। खैर इन बातों को अभी छोड़ते हैं दोस्तों, मैं कोई बुक की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बट यस मैं उनमें से कंसाइज तरीके से पांच रूल आपको डिस्कस करूंगा जिसे आप जब भी चार्ट पैटर्न को डबल बॉटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इन क्राइटेरिया को भी मैच करने की कोशिश करते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वो रूल्स है दोस्तों, सबसे पहला रूल जो है वो है दोस्तों कि पैटर्न जितना टॉलर होगा, जितना बड़ा होगा, हम डबल बॉटम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये डबल बॉटम बना और इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये जितना बड़ा होगा उतने संभावना सफल होने की, जब ब्रेकआउट इसमें होगा उतनी बढ़ जाएगी। अब टॉलर से तात्पर्य क्या है, अगर डिफरेंस बॉटम और उसके बीच का जो अपेक्स है इसके बीच में 10% या उससे अधिक होगा, 10% एंड अबव, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट के बाद में अनदर 10% मूव करने की संभावना बढ़ जाती है, तो इट्स अ वेरी बिग मूव। तो दोस्तों पहला रूल ये बोलता है कि टॉलर द पैटर्न ग्रेटर इज द चांस ऑफ पैटर्न बिकमिंग सक्सेसफुल।
रूल नंबर टू क्या बोलता है दोस्तों? रूल नंबर टू बोलता है कि जो बॉटम दो बॉटम के बीच में प्राइस का वेरिएशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि लेफ्ट बॉटम, कई बार क्या होता है कि जो बेसिकली सपोर्ट लाइन होती है, डिमांड एरिया होता है, प्राइस उसके नीचे तो जाती है लेकिन बायर्स इस बीच में आते हैं और प्राइस ऊपर जाके क्लोज होती है और काफी बड़ी कैंडल की नीचे शैडो बनती है। तो जो कैंडल का शैडो है बॉटम वन और बॉटम टू के कैंडल का जो शैडो है, इन दोनों के बीच में 5% से ज्यादा वेरिएशन अगर नहीं है तो इस पैटर्न के सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। रूल नंबर थ्री क्या है दोस्तों? रूल नंबर थ्री ये बोलता है कि दोनों बॉटम के बीच में कुछ वीक्स का, कुछ सप्ताह का गैप होना चाहिए। और यही कारण है दोस्तों कि जब हम 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के पैटर्न पे काम करते हैं छोटे छोटे मूव्स को, तो वो उनके फेल होने की संभावना क्यों बढ़ती है? क्योंकि दोस्तों वो एक्चुअली पैटर्न फॉर्मेशंस हैं, नहीं है इस वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज कई बार एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक माइनर पुल बैक भी अगर होता है दोस्तों, तो वो 5 मिनट, 15 मिनट में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा बुलिश मार्केट चल रहा है और इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब दोस्तों ये देखा गया है, बुलवस्की ने जैसा हमने बताया 35,000 से अधिक चार्ट पर ऑब्जर्वेशन करके ये क्राइटेरिया उन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं और वो बोलते हैं कि ऑप्टिमम रिजल्ट कब आते हैं डबल बॉटम के ब्रेकआउट में, जब दोनों बॉटम में 3 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह, 3 to 6 weeks का डिफरेंस होता है। 3 वीक्स से कम के पैटर्न की सक्सेस रेट कम हो जाती है और 6 से ऊपर अगर डिस्टेंस है तो भी संभावना दोस्तों कम हो जाती है। तो दीज आर दी ऑप्टिमम गैप बिटवीन द टू बॉटम्स, दैट इज 3 वीक्स to 6 वीक्स। और साथ में उन्होंने रूल नंबर 4 में यह बताया दोस्तों कि अगर दोनों बॉटम एक दूसरे से दूरी पर है जो 8 वीक्स से अधिक है तो परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है, परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। एंड फिफ्थ रूल क्या है दोस्तों? वो बोलता है वॉल्यूम जो है, अगर हम वॉल्यूम की एनालिसिस करेंगे इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, तो उसमें हमें पता लगेगा कि नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली जो लेफ्ट बॉटम है वहां पर वॉल्यूम हायर होता है देन दी राइट बॉटम, क्योंकि लेफ्ट बॉटम में आप देखिए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ये बॉटम बना है, एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन हायर था। और कई बार जब बॉटम में बहुत वॉल्यूम में इंक्रीज होता है तो वो एक एग्जॉशन का भी साइन होता है दोस्तों। अब दोस्तों राइट साइड के बॉटम में सिंस वो बिल्ट अप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो वॉल्यूम कम होना स्वाभाविक है, और जब ये ब्रेकआउट होता है डबल बॉटम का अपसाइड में, जब बीच के अपेक्स को तोड़ता है दोनों बॉटम के बीच के, तो सडन वॉल्यूम में सर्ज होता है दोस्तों, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब उन क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करते हैं जो डबल टॉप में अप्लाई होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जो थॉमस एंड बुल्सकॉस्की को मिला वो उन्होंने टेबुलेट किया है अपनी इस किताब के अंदर में, जिसका टाइटल है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। उनकी एक और बुक है दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं क्राइटेरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो बुलगोस्की ने अपनी बुक में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न में दोस्तों लिखा है डबल टॉप्स के बारे में।
इसके पहले दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इवन डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स के उन्होंने काफी अलग अलग वेरिएशन की बात की है। ये काफी एग्जॉस्टिव एंड बड़ी बुक है, उसमें उन्होंने वेरिएशन की बात की है डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स में, एडम एडम, एडम ईव, ईव एडम, ईव ईव, सो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में बात की है, जिसमें अलग अलग सक्सेस रेट के बारे में डिस्कस किया है। कभी वक्त दोस्तों आगे जाके उसके ऊपर में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, और हम जैसे ऐसे आगे श्रृंखला में बढ़ेंगे दोस्तों, ये काफी एग्जॉस्टिव टॉपिक है और इसमें लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलती रहेगी दोस्तों। मैं भी कंटिन्यूअसली सीख रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ, और इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से क्रिकेटर इवॉल्व होता है और सक्सेस की तरफ बढ़ता है, आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने पहले 79 मैचेस में एक भी सेंचुरी नहीं लगाई थी, और उसके बाद दोस्तों वो विश्व का एक महान बल्लेबाज बना, बेहतरीन बैट्समैन बना, और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तो दोस्तों ये किसी भी प्रोफेशन में ये प्रक्रिया लर्निंग की जो है वो कंटिन्यूअसली जारी रहने वाली है। तो दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में हम जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, टॉपिक्स नए से नए कवर किए जाएंगे, जो भी और चीजें मैं सीखूंगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और ये रिश्ता हमारे और आपके बीच में लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो दोस्तों एक चीज खाली इस चैनल को फेवर कीजिए दोस्तों, ताकि एक बड़ा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बन सके लर्निंग के लिए एंड क्रॉस लर्निंग के लिए। जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर को आप जानते हैं, उन्हें दोस्तों इस चैनल के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उन्हें वीडियो पसंद नहीं आएगा तो वो नहीं वॉच करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस तरह से प्रक्रिया जारी रहेगी तो हमारा परिवार ग्रो करेगा, और एक हम इतना बड़ा, क्योंकि आने वाले समय में मुझे विश्वास है आप एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट और एक ट्रेडर बनेंगे, और तब लर्निंग एंड क्रॉस लर्निंग में मुझे भी बहुत अधिक फायदा होने वाला है, मैं जानता हूं, क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग असेट, अ ह्यूमन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल, टू कन्वर्ट नॉलेज एंड स्किल इन टू मनी। तो दोस्तों जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर को जानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को उनसे एनेबल कराइए, ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन मिले और वो भी इस चैनल का हिस्सा बन के इस लर्निंग प्रोसेस में, इस रेवोल्यूशन में जुड़ सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम उन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं जो डबल टॉप से रिलेटेड है, और वो है दोस्तों जो ये रेफरेंस अगेन उसी बुक से लिए गए हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। और दोस्तों इसमें रूल नंबर वन क्या बोलता है, सेम चीज है दोस्तों, जितना पैटर्न टॉलर होगा उतना उसके सफल होने की संभावना अधिक होगी। सो टॉलर पर पैटर्न्स मतलब दोनों टॉप और नीचे के अपेक्स के बीच में जितना टॉलर होगा उतना ये चार्ट पैटर्न स्मॉलर पैटर्न के कंपेरिजन। कई बार हम बड़े छोटे छोटे डबल टॉप डबल बॉटम देख के बोलते हैं कि भाई ये डबल बॉटम है, ये डबल टॉप है, इवन उनमें गैप भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में आपको रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। रूल नंबर टू क्या बोलता है दोस्तों, कि टॉप से टॉप दोनों जो टॉप बनेंगे डबल टॉप में, तो उसमें भी ऑब्वियसली ऊपर का शैडो होगा, क्योंकि प्राइस रिजेक्शन जब होती है सप्लाई जोन में जाने पे, तो प्राइस ब्रीच तो कर जाती है वो जोन को, वो उस लेवल को, लेकिन फिर सेलर्स आते हैं और प्राइस को पुश डाउन कर देते हैं, तो एक बड़ी शैडो का फॉर्मेशन होता है कैंडल में। तो ये दोनों टॉप की जो शैडोज का टॉप है, इन दोनों के प्राइस में 6% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, डबल बॉटम के केस में इतने सारे चार्ट के ऑब्जर्वेशन में ये वेरिएशन 5% मिला, लेकिन डबल टॉप के केस में ये वेरिएशन 6% मिल रहा है। दिस इज दी माइनर डिफरेंस। रूल नंबर थ्री क्या है दोस्तों, कि टॉप जो है कुछ सप्ताह से अपार्ट होने चाहिए, टॉप एकदम टॉप जो बनते पास पास नहीं होने चाहिए,
उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें उन्होंने बोला 5 to 7 weeks के बीच के जो टॉप होते हैं उनका रिजल्ट ऑप्टिमम आता है, सबसे बेहतरीन आता है। 5 से कम सप्ताह वालों का रिजल्ट में डिटोरिएशन है, 7 वीक से ऊपर के में डिटोरिएशन है। सॉरी दोस्तों। एंड दोस्तों रूल नंबर 4, सेम रूल नंबर 3 को कंपेयर करेंगे दोस्तों तो डबल बॉटम के केस में वो 3 to 6 weeks था, यहां डबल टॉप के केस में 5 to 7 weeks है। लेकिन दोस्तों दोनों केस में कॉमन है, अगर 8 वीक से ज्यादा अगर दोनों टॉप या बॉटम अपार्ट है तो रिजल्ट पुअर होने लगता है, डिटोरिएट करने लगता है, संभावनाएं कम होने लगती हैं। एंड दोस्तों रूल नंबर 5 कि वॉल्यूम यूजुअली लेफ्ट टॉप पर अधिक होता है, एंड वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का जो ट्रेंड आप देखेंगे वो एक्चुअली ट्रेंड पीक टू पीक जो है वो ट्रेंड डाउनवर्ड होता है। तो आपको वॉल्यूम का नीचे एनालिसिस करेंगे तो टेपरिंग समझ में आएगी वॉल्यूम में, क्योंकि अगर ये डबल टॉप है तो अब जो अगले पीक्स बनने वाले हैं वो लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो रिसीडिंग वॉल्यूम आपको समझ में आएगा और ब्रेकआउट के समय पे सडनली वॉल्यूम में इंक्रीज एंड सर्ज नजर आएगा। तो दोस्तों इस जीरो टू हीरो श्रृंखला नंबर 15 ने आपको एक नए हथियार से इंट्रोड्यूस कराया, उस फाइट के साथ फाइट करने का और पार्टिसिपेट करने का जो बेयर्स एंड बुल्स के बीच में लगातार होते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों कमेंट्स एंड फीडबैक देना नहीं भूलिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल एंड सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल का हिस्सा बन सके, सब्सक्राइब करके इस लर्निंग प्रोसेस को ज्वाइन कर सके दोस्तों। एंड दोस्तों शेयरेबल लिंक ले लीजिए इस चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए ताकि वो अपने आप डायरेक्टली इस चैनल में इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आ सके। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में नीचे एक सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों आप सभी जानते हैं कि केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपको साथ में बेल आइकन को भी एनेबल करना होगा ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो दोस्तों देखते रहिए जीरो टू हीरो सैटरडे 8 PM सीरियल, एंड दोस्तों संडे 8 PM बाइट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं जीरो टू हीरो श्रृंखला में उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को मैं ऑलवेज एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरी के साथ कनेक्ट करते, ताकि आप एक प्रैक्टिसिंग टेक्निकल एनालिस्ट एंड ट्रेडर बनने की संभावनाओं को एनहांस कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों, एंड जितने भी डीमेट अकाउंट होल्डर को आप जानते हैं इस चैनल को रेकमेंड कीजिए और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने का एडवाइस कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी हमारे परिवार से जुड़ सके।